हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली इस वीडियो में इसमें हज़ार्ड लग जाएगा। कौन सा हज़ार्ड है आपको दिखाऊंगा, हज़ार्ड सिस्टम कौन सा है वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत सारा मॉडिफिकेशन पहले कर चुका हूँ। ये जो हज़ार्ड वाला मॉडिफिकेशन ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेफ्टी सिस्टम भी है बाइक के लिए। तो फिलहाल वो हज़ार्ड भी दिखाते हैं और फिलहाल क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी हो चुका है अब भी दिखाता हूँ। पहला तो ये लीवर गार्ड्स वगैरह, यहाँ पर मोबाइल माउंट और ये नया वाइज़र और ये स्टेल्थ मिरर, ये सब भी लग चुका है। टेल लाइट ये रिसेंट वाला है, जो पिछला वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा। फिलहाल साइलेंसर में एक एक्रोबिक वाला स्टिकर लगवा दिया है, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेम स्लाइडर वगैरह, और ये रही टेल आई डी। सो अभी के लिए इतना मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो फिलहाल हैज़र्ड दिखाते हैं आपको, ये क्या लिखा हुआ है दिख रहा है आपको। सर ऐसे छोटे छोटे कुछ स्टिकर लगवा दिया है यहाँ पर और ऐसे कुछ जो अच्छा टच दे रहा है बाइक को। तो फिलहाल इतना ही कुछ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हैज़र्ड दिखाते हैं आपको। सो ये रहा हैज़र्ड इसका, देखने से तो पता चल गया होगा। तो एक स्प्लैशर है, तो यही मेरे को बेस्ट लगा। कोई जो कंपनी बनाती है वो है रेस डायनेमिक्स। तो आपको पता ही है कितना पॉपुलर है ये सब बनाने में, और हर चीज़ में एकदम अच्छा है रेस डायनेमिक्स। जो अदर जो इसका ट्यूनिंग पावरट्रॉनिक ईसीयू और फ्यूलेक्स वगैरह आता है, तो इसी का बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ कुछ पैटर्न में इसका टेल लाइट भी जो है ब्लिंक करता है, तो वो भी बढ़िया लगा। तो यही ये स्पेसिफिकली R15 V3 के लिए है, अदर बाइक के लिए भी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट में। तो फिलहाल के लिए यही वाला जो फ्लैशर है वो इसमें लगेगा। क्या ही औसम लग रहा है यार। तो इसमें भी लाइटिंग वगैरह है, तो ये तो अंदर रहेगा, तो आपको दिखाते हैं। और एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर देता हूँ। तो यहाँ पर है, ये तो प्लग एंड प्ले है, कोई भी आपका वायर वगैरह एक्स्ट्रा नहीं कट होगा। और 60 पैटर्न्स है, नो स्विच रिक्वायर्ड, कोई स्विच एक्स्ट्रा आपको लगाना नहीं पड़ेगा। टेल लाइट इंटीग्रेटेड ये आपको है। और ये वाटर रेजिस्टेंट आप पढ़ लो ध्यान से, शॉक प्रूफ, मेमोरी रिकॉल सब कुछ है इसमें। 1+2 मतलब 3 ईयर के वारंटी है। तो ये स्पेसिफिक R15 V3 के लिए है। तो इसको खोलते हैं और बॉक्स कंटेंट दिखाते हैं अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, और प्राइसिंग भी बताऊंगा। सो अभी आपको जो है बॉक्स कंटेंट है वो दिखा देते हैं। फिलहाल खोल लेते हैं इसे, ऊपर से खोल लीजिएगा। और ये रहा इसका पूरा हार्नेस, वायरिंग हार्नेस। कुछ इस तरीके से है पूरा वायर वगैरह। इसमें तो आपका टेल लाइट फिट हो जाएगा, एकदम OEM स्टाइल में दे रखा है। और ये एक स्टिकर भी दे रखा है। और ये है वारंटी कार्ड, इसको संभाल के रखिएगा। और अंदर इस तरफ खोलने से ये फ्लैशर आपका बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल यही कुछ है बॉक्स में, अभी खोलने का काम करते हैं। सीट वीट तो खोलते हैं इसे, और ये स्टिकर कहाँ लगाया है मैंने वो भी दिखाऊँगा। लगवाते हैं स्टिकर को और खोलते हैं सारी चीज़ें। सो ये रही पूरी वायरिंग हार्नेस, और इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो ये काफ़ी वेटेड है, और काफ़ी हाई क्वालिटी का लग रहा है मेरे को। तो एकदम ब्रांडेड चीज़ है तो यही होगा, तो महंगा है तो इस वजह से ऐसा है। तो कोई लोकल वगैरह मत खरीदना, वेट कर रहो और अच्छा खरीदना। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है R15 V3। तो फिलहाल इसको लगवाते हैं, और अच्छा है, बहुत ही अच्छा लुक दिखने का। तो लुक में तो क्या ही ऑसम लग रहा है यार, तो एकदम बढ़िया। तो लगवाते हैं इसे रेस डायनामिक। सो अभी के लिए पूरा टाइमलेस देखो ये पूरा खोलने का। एकदम साइड पैनल और सारे कुछ एकदम निकल रखा है, ताकि आपको दिखने में आसान पड़े। तो यहाँ पर इसका है वायरिंग हार्नेस, जो कंपनी वाला, ये खोलते हैं। और ये पड़ा इसका सारे नट्स वगैरह। तो फिलहाल इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा बहुत डस्ट साफ करते हैं।
तो सारे के सारे जो ब्लिंकर्स वगैरह है अपनी बाइक में वो पहले से ही एलईडी है। तो यहाँ पे और ये फ्लश माउंट इंडिकेटर सारे अपने जो पहले से एलईडी है, तो बहुत अच्छा लगेगा फ्लैशर के साथ। सो अभी फ्लैशर का वायरिंग आपको दिखाते हैं, फिलहाल सब कुछ खोल चुका है। सो कपलर वगैरह जो है वो खोल लेते हैं, ये है अपना टेल लाइट का। तो फिलहाल इसको खोलने में थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा छोटा वाला, तो इसको डालने के बाद ये खुलेगा। यहाँ पर लॉक रहता है इस वजह से, तो एक काम करते लाते हैं वो। सो ऐसा कुछ चीज़ ले लेना आप, तो इससे आपको आसान पड़ेगा थोड़ा। ऐसा कुछ होगा और उसके बाद जाके ये खुल जाएगा पूरा। ये जैसा खुल चुका है, अंदर मिट्टी वगैरह आ गया कैसे पता नहीं, तो ये खुल गया। और इंडिकेटर में आपको ये जो ग्रीन वाला वायर है इसको निकालना है, और एक आपको रेड या फिर ग्रे वाला वायर दिखेगा ये आपको खोल लेना है। बस इतना ही खोलना है आपको, और कुछ खोलना नहीं है। अभी जो फ्लैशर वाला जो हार्नेस है वो लेकर आते हैं और इसमें कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सो ये रहा अपना जो फ्लैशर है उसका हार्नेस, तो वायरिंग हार्नेस। तो इसको पहले इंडिकेटर आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो फिलहाल एकदम इजी है, जो ग्रीन वाला वायर है वो फिलहाल मेल टू फीमेल कनेक्ट हो जाएगा, किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया, और वैसा ही उसका जो फीमेल है उसमें आपका मेल कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया, और वैसा ही जो है रेड है, तो रेड में आपको ये वाला कनेक्ट कर लेना है। हो गया, और ये वाला फिलहाल उसके वाले जो कपलर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो चुका है, और ये तो अपना टेल लाइट वाला है, तो ये एकदम इजी होता है। फिलहाल इसमें आपको ये वाला घुसाना है, कुछ इस तरीके से ये घुस गया, और इसका वाला जो है वो टेल लाइट वाले में लग जाएगा। ये लग गया, अपना वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, और इसमें से अभी फ्लैशर लगवाने से ये वर्किंग चालू हो जाएगा। तो फ्लैशर लगवाते हैं, तो फाइनली इसमें फ्लैशर लगवाते हैं। तो ये तो अपना ऐसे ही लग जाएगा, ये लग चुका है। तो अभी एकदम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देखना लाइट ऑन होगा, और इसमें वेलकम फीचर भी आता है, तो आपको दिखाऊंगा। थोड़ा शाम हो तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाएगी। वैसे तो है मेरा पीछे वाला जो इंडिकेटर है वो काफ़ी ब्राइटनेस के साथ है, तो वो अभी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल फ़ोन में स्विच होते हैं, और वायरिंग वगैरह सब कुछ एकदम हो चुका है, अभी इसको प्रॉपर संभाल के इसको अच्छे से रख देते हैं। सो वायरिंग सारी जो है जो कंपनी वाला जो कैप आता है उसके अंदर ही फिट हो गया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत टेप लगवा दिया है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट, वैसे तो ये अपना वाटर रेजिस्टेंट है, यहाँ पर वाटर जाने का चांसेस है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा मास्किंग टेप लगवा दिया है। फिलहाल ये यहाँ पर ऐसे ही रह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लैशर अपना लग चुका है, अभी सारा बॉडी फिटिंग करके आपको मिलता हूँ। सो जैसा कि दिखाया मैंने आपको, मेरे सारे इंडिकेटर जो है पहले ही एलईडी है, जो बॉक्स में जो लिखा भी हुआ है वो एलईडी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। एलईडी हो तो अच्छा है, वरना बल्ब में भी जलेगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, बल्ब में नहीं जलेगा, मगर वो मज़ा नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ब्लिंक करता रहेगा। तो इस टाइप का कुछ है, अपना तो पहले से एलईडी है। और एक बात है कि कनेक्शन कर दिया मैंने, और पूरा एकदम अच्छे से एकदम लगवा दिया पैनल वगैरह। और एक बात, जो कनेक्शन करते टाइम मैंने क्या किया कि जो दो वायर है, वायर था एक ग्रीन था और एक येलो था, दोनों का दो दो वायर था, दो दो वायर में आपको एक इंडिकेटर में एक ग्रीन और एक येलो कनेक्ट करना है, दूसरे में एक ग्रीन और एक येलो। पहले मैंने दोनों ग्रीन एक में और दोनों येलो और एक में, उससे क्या हुआ कि सब कुछ वर्किंग आपका प्रॉपर करेगा। सो दिक्कत कहाँ है, जब मैं इंडिकेटर दिया तो एक उस तरफ का एक जल रहा था और इस तरफ का एक जल रहा था, मतलब दोनों एक साइड का नहीं जल रहा था, तो
ध्यान रखना उस चीज़ का। तो आप इसमें क्या करना, एक में एक ग्रीन और एक येलो, और एक में एक ग्रीन एक येलो, बस इतना ही इजी है। बस जैसा कि बोला वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, मैंने एकदम हैज़र्ड को यहाँ पर टेप वगैरह लगवा के यहाँ पर अच्छे से एकदम जिप टाई से लगवा दिया है, तो एकदम प्रॉपर जगह में सेट हो चुका है, तो वाइब्रेशन भी कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा था, तो एकदम बढ़िया है। सो एकदम यहाँ पर कर सकते हो आप ऐसे कुछ जिप टाई लगवा के, सो एकदम बेस्ट है। सो इसका जो मेरे को सबसे बेस्ट जो है इसका वेलकम फीचर लगता है, तो आपको दिखाते हैं कैसा ऐसे ब्लिंक करता है वेलकम फीचर में, और ये कैसे अपना ऑपरेट होगा यहाँ से वो भी दिखाते हैं। पहले आपको वेलकम फीचर्स दिखाते हैं। सो स्विच ऑन करते हैं और इसका वेलकम फीचर्स दिखाते हैं। देख लिया आपने। सो ये था इसका वेलकम फीचर। अभी इसको कैसे ऑपरेट करता है वो आपको दिखाते हैं। सो अभी क्या है, सिर्फ आपको पीछे से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीछे से ही देख पाओगे दोनों तरफ का एक साथ, अगर साइड से दिखाऊंगा तो देख नहीं पाओगे दोनों का एक साथ, तो इसलिए पीछे से दिखा रहा हूँ। अभी इसको कैसे ऑन करना है, यहाँ से कैसे होगा, कैसे ऑफ होगा वो आपको दिखाते हैं। सो मॉड्यूल कैसे ऑन होगा अभी दिखाते हैं। तो पहले करते हैं चाबी को ऑन। वेलकम फीचर तो हर बार देगा ये वेलकम फीचर। पहले क्या करना है, लेफ्ट लाइट, लेफ्ट राइट एंड मिडिल। ओके, बस अपना हैज़र्ड ऑन हो चुका है जैसे मीटर पे दिख रहा है। सो इस तरीके का कुछ मीटर में भी दिखेगा। तो हैज़र्ड अपना ऑन हो चुका है, दिखाऊंगा मोड वगैरह। 60 मोड है, कभी टेस्ट करूंगा एक वीडियो में 60 मोड कौन से है। और ऑफ करना भी एकदम सेम है, इस साइड और मिडिल। ये देखो अपना ऑफ हो चुका है। सो ऐसा कुछ ऑन और ऑफ कर सकते हो आप। अगर आपको मोड चेंज करना है, पहले तो आप ऑन कर लेते हैं, ये अपना ऑन हो चुका है। मोड चेंज करने के लिए एक साइड का और मिडिल, ये अपना मोड चेंज हो चुका है। फिर से मोड चेंज करना है तो एक साइड का और मिडिल, वैसे ही इस साइड करोगे तो प्रीवियस वाला जो मोड था उसमें आ जाएगा, फिर से इस साइड करोगे तो प्रीवियस वाला जो मोड है उसमें आ जाएगा। सो बहुत ही ईजी है यार, बहुत अच्छा है हैज़र्ड मेरे को लगा। तो अभी इसका कुछ ब्लिंक आपको दिखा देते हैं टेल लाइट के साथ। सो कुछ मोड्स इसके दिखा देते हैं। देखो आप, पहले तो अपना वेलकम फीचर जो है, अभी इसका जो हैज़र्ड ऑन करते हैं। ये है एक मोड अपना, जिसके साथ अपना टेल लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, कैसा लग रहा है बताओ। और मोड भी ऑन करते हैं। ये रहा एक और मोड। ये वाला मोड तो हर कोई पसंद करता है, ऐसे ब्लिंक ज़्यादा जो ब्लिंक करता है। सो ऐसे ही 60 पैटर्न्स है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई जुगाड़ वगैरह मत करना, थोड़ा रुक जाओ और ब्रांडेड ही खरीदना। सो ये आप खरीद सकते हो, मैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूँगा, आप खरीद लेना। सो फिलहाल इतना ही है, ये जैसा मोड चल रहा है अभी 60 पैटर्न्स है। आप कमेंट करो कभी इसका 60 पैटर्न्स जो है टोटल इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को तो शेयर ज़रूर करना। तो फिर सो एक और बेस्ट फीचर्स जो मेरे को लगा, पहले तो हैज़र्ड ऑन कर लेते हैं। ये अपना हैज़र्ड ऑन हो चुका है, जैसे कि अभी देख लो ऐसा कुछ अभी ब्लिंक कर रहा है। मानो मेरे को टर्न वगैरह लेना है, मेरे को एक साइड का इंडिकेटर चाहिए। इसमें एक फीचर्स है, मैं इसका एक साइड ब्लिंक कर दिया तो अभी फिलहाल इंडिकेटर हो जाएगा, हैज़र्ड बंद हो जाएगा। सो ये मेरे को बेस्ट लगा यार,
हर वक्त मेरे को हैज़र्ड बंद नहीं करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर दिया, अभी इसको ऑफ कर दूंगा तो हैज़र्ड फिर से ऑन हो जाएगा, देख लो। एकदम बढ़िया, बेस्ट फीचर्स, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स है इसमें, तो एकदम मस्ट बाई है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वायरिंग भी सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, कोई भी कर सकता है। तो सारे तो सारा कुछ तो हो चुका है, दिखा दिया आपको, अभी सीट लगवा देते हैं। फिलहाल मैंने काउल लगवा दिया है, इसको काउल के साथ अब फिट कर देते हैं। घूमने वगैरह गया था तो तभी मैंने काउल खोल दिया था, तो लगवाते हैं इसे। काउल अपना लग चुका है, और ये रहा इसका नट, इसको टाइट कर देते हैं। बाइक अपनी फिर से सिंगल सीट हो गई। वैसे इस काउल का भी वीडियो डाल रखा है मैंने, आप चेक कर सकते हो चैनल में। इसको अच्छे से मैंने एकदम ग्राफिक्स वगैरह किया था। तो अभी सीट भी बिठा देते हैं। ये रहा सीट इसका, तो बिठा कर आपको दिखाते हैं। सो ऐसा कुछ अपनी जो गैरेज में, ज़्यादातर शूट मेरा तो गैरेज में ही होता है, आप लोगों को पता है। सो कुछ ऐसा ग्राफिक्स करने की कोशिश की जैसे अपना वीडियो जो है वो देखने को अच्छा लगे। सो ऐसा कुछ किया, अगर पसंद आया तो कमेंट में बताना, बुरा लगा तो वो भी बता देना। तो फिलहाल ये अपना फिनिश नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा कुछ करके इसको फिनिश कर देंगे, इस साइड का ब्लैक करेंगे, देखते हैं। अगर इसमें क्या है, एक ही दिक्कत, बहुत मास्किंग टेप है जो बहुत वेस्ट होता है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अच्छा बना तो इसको यहाँ सेट करके इसको प्रॉपर फिनिश कर देंगे, उसके बाद अगर शूट वगैरह करेंगे तो अपना बैकग्राउंड जो है वो अच्छा दिखेगा। सो जैसा कि हैज़र्ड आपने पूरा देखा, इंस्टॉलेशन देखा, अगर दिक्कत वगैरह आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी बता दूंगा। सो हैज़र्ड अपना प्रॉपर है, आपको साइड में भी दिखा देता हूँ, ये आपको नहीं दिखा। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे, वो जैसा सा अपना है पूरा हैज़र्ड। इस वीडियो को तो शेयर करना ही करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से बाय कर सकते हो। सो फ्लैशर आपको पसंद आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।